वो कहते हैं ना, किस्मत में जब लिखा हो वहाँ पे पहुँच जाते हो आप बिना बताए और बिना कुछ मालूम पड़े। तो कुछ इसी तरह आज मैं भी पहुँचा हूँ, आपका बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया रहेगा, KTM के शोरूम पे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कुछ लॉन्च होने वाला है, बट मेरी नसीब अच्छी थी कि मेरा ये टाइम एकदम वर्थ हो गया। मतलब मैंने सोचा था कि यहाँ पे आके कुछ अभी शूट नहीं करूँगा बिकॉज मुझे चाहिए एक टेस्ट राइड, तो वो टाइम पे मैं शूट करके अपना जो भी कंटेंट वगैरह है वो बना लूँगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं बस आया यहाँ पर और यहाँ पर चल रहा था इस बीस्ट का लॉन्च, जो कि है KTM एडवेंचर 250 का लॉन्च हो चुका है बैंगलोर में और इमीडिएट डिलीवरी है। RTO की तरफ से भी कोई इशू नहीं है यहाँ पर अभी। सो अब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके फ़ीचर्स वगैरह सब बताऊँगा। सबसे बेस्ट बात जो इसका प्राइस है, ऑब्वियसली 250 है तो इसका प्राइस थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू 390, बट जो भी आपको उसमें फ़ीचर्स मिल रहे थे ऑलमोस्ट सारे के सारे फ़ीचर्स इसमें भी आपको दिखाई देंगे। और जो लोगों को हाइट की प्रॉब्लम थी कि KTM लेंगे तो अगर हाइट अगर हमारी कम रही तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, सो मैंने देखा यहाँ पर बहुत, मतलब थोड़ी सी मेरे से कम, जैसे कि मैं 5'11" हूँ, मेरे से कम वाले भी जो है इसको ईजीली टिपटो करके मैनेज कर सकते हैं इसको। सो अब ये पहली गाड़ी है बैंगलोर में यहाँ पर लॉन्च हो गई है, सो अभी मैं आपको इसके क्लोज से एकदम आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये बीस्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको। ये सब के चक्कर में तो भूल ही गया कि वीडियो का इंट्रो ही नहीं दिया। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SM वीडियोस। अभी आप लोगों को आगे का दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके कलर्स जो दो वेरियंट है, एक है ब्लैक एंड ऑरेंज और एक है ऑरेंज एंड ब्लैक, जिसमें ऑरेंज डोमिनेंट है क्योंकि ऑरेंज का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये जो है ब्लैक एंड ऑरेंज, तो इसमें ब्लैक के पार्ट ज़्यादा है, ऑरेंज की बस डिटेलिंग थोड़ी बहुत की गई है। सो ये आपको दिख रही है, यही है एडवेंचर 250। साला मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे पहुँचूँगा और इसका लॉन्च चल रहा होगा। सो यहाँ पर पूरा मतलब लॉन्च वगैरह चल रहा था, अच्छे से प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया ऑब्वियसली बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो काफ़ी लोग ने जो है ऑनलाइन मतलब लाइव भी चालू करके रखा था। वो भरी हुई गाड़ी दिखती है, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा भरी हुई दिखती है मेरे को। इसके जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है वो है हमारे टायर्स, टायर्स मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और एडवेंचर है तो ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी चाहिए, इफ़ इन केस कभी गाड़ी गिरती है तो पूरा कवर होना मांगता है। और ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर सैडल बैग वगैरह लगा रहे हो टूरिंग के लिए, सो बहुत काम आएगी, आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उसका टर्न अराउंड है और जो इसमें एग्जॉस्ट दिया हुआ है एक्रो का, वो एग्जॉस्ट है और सिंगल बेजल वाला है, जो भी उसका टेक्निकल नाम है वो आप देख लो। तो कुछ इस तरीके से दिखती है, बस मुझे ऐसा है कि इसको जल्दी से मुझे बनाना है वीडियो और रिवील करना है। LED लाइट्स वगैरह जो पहले 390 में आती थी वही है, अपसाइड डाउन फोक्स है इसके, ये देख रहे हो आप, और जो WP बोलते हैं यही वही है क्या? हाँ, WP वाला, ये देखिए ये WP अपसाइड डाउन फोक्स है और पूरी तरीके से मतलब कवर है यहाँ पर। ये जो दिया हुआ है नीचे, ओ ये भी मेटल है यार, अब टेंशन नहीं है। काफ़ी थिक है, एक नंबर है यार ये। सो ये कुछ है इसके सामने भी आपको जो है डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स है। अभी पूरा स्पेसिफिकेशन मैं आपको एक बार TV में जो भी था वो मैं आपको दिखा दूंगा और फिर इसको रैप अप करेंगे अपन। ओके, सो ये जो है बेसिक एक डिटेल आपको मैं बता देता हूँ, जो भी है आपको यहाँ पर इंजन टाइप देख लीजिए, कूलिंग देख लीजिए, और ये सिर्फ KTM 250 एडवेंचर का है, 390 का भी है हिमालयन GS वर्सेस, और उसके बेनिफिट्स क्या है हमारी गाड़ी के जो KTM है 250, तो वो सारा कुछ इसमें है, दिख जाएगा आपको। चेसी जो है, ट्रेलिस फ्रेम, फिर कंप्रेशन रेशियो 12.5, टॉक है 20 Nm, फिर पावर वेट जो है 169 PS और 177 kg के है, पावर 30 PS, लिक्विड कूलिंग है। बस ये ख़ास तौर से जो इन्फॉर्मेशन थी, बाकी तो आप लोग देख सकते हो ये है। अभी आपको जो है ऑफ रोड में क्या क्या मिल रहा है 250 में, USD फ्रंट फोक्स है मतलब अपसाइड डाउन, और ट्यूबलेस टायर्स है दोनों भी, LDC डैशबोर्ड है, और प्राइस 2.48 लाख है, एक्स शोरूम रेट है। अगर हम शोरूम से ऑन रोड का प्राइस देखेंगे तो कितना हो जाता है? अप्रॉक्सीमेट 3 लाख। ओके, सो अप्रॉक्सीमेट जो है 3 लाख रुपीज़ आपको ऑन रोड मिलेगी ये। ठीक है, तो जिसको किसी को भी चाहिए, ये इमीडिएट डिलीवरी है, बट
अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट ब्रो? ओके, सो ऐसा कुछ है इसका सीन। एक टेस्ट राइड ले लेंगे KTM 390 एडवेंचर की, सो जाके देखते हैं क्या रिव्यू आता है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सो काफ़ी दिन हो गए बाइक चला के, चलाएंगे और दिखाएंगे आपको कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, ठीक है? चलिए निकलता हूँ मैं, जाके देखता हूँ। वैसे भी अंधेरा होने आ रहा है तो GoPro में इतना अच्छा क्लियरिटी नहीं आएगा, तो फटाफट पहले जाता हूँ और टेस्ट राइड ले लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी जो है शोरूम के अंदर गर्दी कम है, सो इसी के लिए मैंने जो है अपना मास्क उतार दिया हूँ, अपना प्यारा सा मुखड़ा आपको दिखाने के लिए, दिखना चाहिए ना रेयर कुछ तो है अपना। सो अभी मैं जो है राइड ले लिया हूँ, फर्स्ट राइड ले लिया हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा, या पहली वीडियो वो डालूँगा उसके बाद में ये डालूँगा, नहीं पहले ये डालूँगा उसके बाद वो डालूँगा, बिकॉज इसका लॉन्च है तो पहले ये मांगता है, उसके बाद में जो है अपना रिव्यू आना मांगता है वो उस बाइक के ऊपर, ठीक है? सो अभी मैं आपको एकदम क्लोज लुक देता हूँ कि किस तरीके से ये गाड़ी जो है दिखाई दे रही है अपने को। अभी मैं पहले थोड़ा सिनेमैटिक रोल लेने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको नाचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, जितना भी जो कुछ भी था मैंने आपको पूरी गाड़ी के बारे में आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब आप लोगों के ऊपर है सब्सक्राइब करना है तो कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, हमारा भाई का चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, सो और अच्छे से उसको ग्रो कराओ। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल दैट टाइम राइट सेफ, बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मॉम डैड, रिस्पेक्ट योर फैमिली एज ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।